वैसे इस बीच आज पीएम मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट और सिक्के का अनावरण किया। भारत मंडपम में इस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें पीएम मोदी के साथ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा भी मौजूद थे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी के दौर में भी देश के भरोसे को बरकरार रखा। वैसे सुप्रीम कोर्ट की 75 वर्षों की न्यायिक सत्ता से जुड़ा एक दिलचस्प नंबर यह भी है कि वर्ष 2024 में अब तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 83,000 पहुंच गई है, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा नंबर है, जबकि 10 वर्षों में पेंडिंग मामलों की संख्या भी 8 गुना बढ़ी है। यानी सुप्रीम कोर्ट के 34 न्यायाधीशों के पास बहुत काम है और बड़ी जिम्मेदारी है। सत्ता में आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आपातकाल जैसा काला दौर भी आया, तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। मौलिक अधिकारों पर हुए प्रहार तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रक्षा भी की। और यही नहीं, जब जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया, तब न्यायपालिका ने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की है।